नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में लिखा हुआ सो दैट एक वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये एक वेक्टर है और बोल रहा है कि कोलिनियर है किसके साथ, ये और ये कोलिनियर है, यानी कि 2i माइनस प्लस में प्लस 6j और माइनस 8k, यानी कि ये दूसरा वेक्टर है b। अगर हम लोग b में से माइनस 2 कॉमन ले ले, यहां पे 4 होगा, ओके 4 होगा, तो b वेक्टर में से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, 2i माइनस 3j प्लस 4k, यानी कि ये b वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा 2a वेक्टर बन जाएगा। मतलब b और a क्या है सेम है, सिर्फ क्या है माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर किसी भी वेक्टर को कोलिनियर दिखाना है तो क्या करना होता है, ये करना होता, ठीक है, लैम्डा टाइम्स होना चाहिए वो, तो लैम्डा टाइम्स है माइनस 2 निकाल दिए यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट ये था कौन सा नंबर, 11 नंबर। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर में क्या बोला गया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब यहां पे एक वर्ड आया है डायरेक्शन कोसाइन, 12 नंबर क्या लिखा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन आई प्लस 2j प्लस 3k, यानी कि a वेक्टर है। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे, हम लोग इसको निकाल देंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल देना है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट के साथ, 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि 14, रूट ओवर 14। अब क्या लिखा था, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करेंगे, इसको कैप निकालेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, कितना है ये 1 बाय रूट ओवर 14 आई, 2 बाय रूट ओवर 14 जे, 3 बाय रूट ओवर 14 के, यही जो वैल्यूज है ये क्या कहलाता है हम लोग का, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, बस इतना ही निकालना है इसमें। 13 नंबर में आ जाते हैं, 13 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी, ए से बी की तरफ जा रहा है और निकालना है हम लोग को। ए जो पॉइंट दिया गया है वह है 1, 2 और माइनस 3, और बी एक पॉइंट दिया हुआ माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1, फिर से माइनस 1 है ये, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, ए से बी की तरफ हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शन निकालना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी एक वेक्टर निकालेंगे, ए बी कैसे निकलेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन करना है, तो ये माइनस होगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस 2i, ये इसके साथ माइनस होगा तो माइनस 4j, ये इसके साथ माइनस होगा तो प्लस में 2k हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का ए बी। अब क्या पूछा था, पूछा है हम लोग से डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि पहले हम लोग को क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कितना होगा 4, 16, 4 यानी कि रूट ओवर 24। तो ए बी का अगर हम इसका क्या करें, यूनिट वेक्टर निकाल दें, क्या होने वाला है माइनस 2 बाय रूट ओवर 24, 4 बाय रूट ओवर 24, यहां आई हो जाएगा, यहां जे हो जाएगा और यहां हो जाएगा 2 रूट ओवर 24 के। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा, बोला गया है सो दैट द वेक्टर आई जे के इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ जेड एंड ओ वाई एंड ओ जेड। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बोला है आई जे और के एक वेक्टर है जिसका नाम ए है, ये वेक्टर कहीं पर है, ये पॉइंट होगा 1, 1, 1, ये बोला, बोल रहा है कि ये जो है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये जो बना है जेड एक्सिस, जेड क्या होता है इसके ऊपर होता है यहां पे ऐसे हवा में, ठीक है। हमको क्या बोला गया है, ये 1, 1 जो है मान लेते हैं, ये इस तरह से, ये 1, 1 यहां पे पॉइंट है हवा में, ठीक है, ये ओरिजिन से आया गया है, तो ओरिजिन से आ रहा है तो इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है जितना बन रहा है, मान लेते थीटा बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ जो बन रहा है वो भी थीटा बन रहा है, और जेड एक्सिस के साथ जो बनेगा वो भी थीटा बनेगा। जेड एक्सिस के साथ कैसे बनेगा, ये इसके ऊपर रखे, यहां से हवा में निकला है पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल्स बनेगा वो सारा एंगल क्या होगा, सेम होगा, ये हमको दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एंगल, एंगल का बात करते हैं, एंगल निकलता है कॉस थीटा वाला फॉर्मूला से, ठीक है, एंगल तो कॉस थीटा का नाम आता है तो समझ जाते हैं क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। अगर हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाले और सब सेम आ जाए तो हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ भाई सेम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या होने वाला है, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, रूट ओवर थ्री। अब इसका क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वन बाय रूट ओवर थ्री आई प्लस वन बाय रूट ओवर थ्री जे प्लस वन बाय रूट ओवर थ्री के। अब देखो यहां पे ये और ये क्या है, तीनों सेम है, सेम है, इसका मतलब है कि जो हम लोग का डायरेक्शन को साइन में जो एंगल्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब आई के साथ जे के साथ और के साथ क्या होगा, सेम एंगल में वो क्या करेगा, झुका हुआ रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है। ठीक है, ये था 14 नंबर।